दोस्तों आप सभी लोग का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे शुगर केन। तो चलिए देख लेते हैं शुगर केन के उन पॉइंट्स को जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले है बोटनिकल नेम ऑफ शुगर केन। तो सैकेरम ऑफिसिनेरम इसका बोटनिकल नेम है। ये भी पोएसी कुल में आता है और इसके ओरिजिन है पीपर निकोनिया है। शुगर केन को एक एनर्जी क्रॉप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब शुगर केन के चार कल्टिवेटेड स्पीसीज है जो कि सैकेरम ऑफिसिनेरम है जो कि मोस्ट कल्टिवेटेड स्पीसीज है। इसका 2N की बात करें तो 80 है, इसे नोवल केन भी कहते हैं। दूसरा है सैकेरम बर्बेरी है, इसे इसका 2N है, 110 से 120 है, इसे नॉर्थ इंडियन केन भी कहते हैं। और इसका डेवलपमेंट किससे हुआ था, सैकेरम ऑफिसिनेरम एंड सैकेरम स्पॉन्टेनियम जो कि एक वाइल्ड स्पीसीज है, दोनों के क्रॉस है। सैकेरम बर्बेरी का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरा है सैकेरम साइनेंसिस, इसका क्रोमोसोम नंबर है 2N बराबर 118, ठीक है। सैकेरम एडुले, ये चार स्पीसीज जो है पूरे वर्ल्ड में कल्टिवेटेड है जिसका खेती किया जा सकता है। और जो दो नीचे है सैकेरम रोबस्टम और सैकेरम स्पॉन्टेनियम, इसकी खेती नहीं किया जाता, इसे वर्ल्ड स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ नोबल केन कौन है, T.S. वेंकटरमन को कहते हैं। यह एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबल केन को डेवलप किया था, इसलिए फादर ऑफ नोबल केन कहते हैं, ठीक है। टाइंग रैपिंग एंड प्रॉपिंग प्रैक्टिस डन इन अगस्त फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, यह एक प्रैक्टिस है जो कि गन्ना में किया जाता है। देखिए यहाँ पे इस फोटो में क्लियर दिख रहा है, यह एक मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एक प्रैक्टिस किया जाता है। कब करते हैं, अगस्त मंथ में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है टाइंग रैपिंग एंड प्रॉपिंग कब किया जाता है, तो याद रखिएगा अगस्त में करते हैं। किसके लिए करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि लॉजिंग ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कानपुर यूपी में है। नेक्स्ट है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ शुगर केन वो 205 है जो कि कहाँ से डेवलप हुआ था, SBI मतलब कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर से डेवलप हुआ था। उसके बाद है इन्फ्लोरेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, एरो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद एक क्रिटिकल स्टेज पर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सा है, फर्स्ट है जर्मिनेशन स्टेज जो कि 30 से 45 दिन के बाद आता है। उसके बाद टिलरिंग स्टेज, इसे फॉर्मेटिव स्टेज भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है पर इरिगेशन, यहाँ कब आता है 60 से 130 दिन के बाद आता है। उसके बाद तीसरा है ग्रैंड ग्रोथ और चौथा है मेच्योरिटी स्टेज, ठीक है। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज है टिलरिंग या फिर फॉर्मेटिव स्टेज, याद रखिएगा क्या पूछा जाता है। अब वर्ल्ड के सिनेरियो में देख लेते हैं कि एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया है शुगर केन के, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद क्यूबा में। अब प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ब्राजील में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर केन की, उसके बाद इंडिया में होता है, उसके बाद चाइना। अब प्रोडक्टिविटी में पेरू फर्स्ट है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया के सिनेरियो में देखा जाए तो इंडिया में एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी फर्स्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी फर्स्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तमिलनाडु फर्स्ट है, वहाँ पे कितना प्रोडक्टिविटी होता है 99.3 टन पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है कि पर एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन, देखिए तो जो है बाय प्रोडक्ट्स मिलता है शुगर केन से, एक तो पहले है उसका जूस मिलता है, ठीक है। उसके बाद जूस के अलावा बगासी एंड मोलेसिस मिलता है जिसका यूज, बगासी का यूज किस में करते हैं, यूज फॉर फ्यूल एंड पेपर मेकिंग, ठीक है, ईंधन के रूप में और पेपर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद मोलेसिस का उपयोग करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। तो ये दो बाय प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद सुक्रोज कंटेंट मेजर्ड किससे करते हैं, सुक्रोलाइजर जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि सुक्रोज कंटेंट मेजर करते हैं, ठीक है। मेच्योरिटी टेस्टिंग फॉर शुगर केन, शुगर केन की मेच्योरिटी टेस्टिंग दो मेथड से किया जाता है। फर्स्ट है ब्रिस्क रेशियो, ब्रिस्क रेशियो में हम रिफ्रेक्टोमीटर का यूज करते हैं जिसका रीडिंग अगर 18 से ऊपर एवप आ जाता है तो मतलब शुगर केन मैच्योर हो गया है। उसके बाद दूसरा मेथड है फेलिंग टेस्ट, इसमें अल्कोहल टेस्ट करते हैं, इसका रीडिंग अगर 0.5% से कम है तो मतलब शुगर केन मैच्योर हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप लॉगिंग टेक्निक इन शुगर केन डेवलप बाई H.F. क्लेमेंट्स 1980 एट हवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक न्यूट्रेंट से रिलेटेड पॉइंट है
जिसे क्रॉप लॉगिंग टेक्निक कहते हैं, किसने डेवलप किया था? एच एफ क्लिमेंट ने 1980 में किया था एट हवाई में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद अर्थिंग अप कब किया जाता है शुगर केन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि शुगर केन में करते हैं, जिसको बोलते हैं मिट्टी चढ़ाना, ठीक है। मिट्टी चढ़ाते हैं जून जुलाई में चढ़ाते हैं, कब चढ़ाते हैं? जून जुलाई में, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। सुक्रोज इन मैच्योर केन, एक मैच्योर केन में, एक परिपक्व गन्ना में कितना परसेंट सुक्रोज रहता है? तो 16 से 18 परसेंट शुगर रहता है। और शुगर की बात करें तो जूस में 6 से 10% शुगर पाया जाता है। प्लांटिंग टाइम, अब देखिए इंडिया में 4 प्रकार के गन्ना लगाया जाता है। फर्स्ट है ऑटम है, इसको अक्टूबर में बोते हैं, ठीक है, ऑटम को अक्टूबर में बोते हैं। रो टू रो डिस्टेंस इसमें 90 सेंटीमीटर रखते हैं। यहाँ ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में लगाया जाता है, और इसका एरिया हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है, सॉरी इसका यील्ड जो है सबसे ज्यादा होता है हमारे इंडिया में। उसके बाद एक साली है, सॉरी अधसाली है, इसको जून जुलाई में लगाते हैं। इसमें रो टू रो डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर रखते हैं। इसे जनरली साउथ इंडिया में लगाते हैं। यहाँ 18 मंथ का क्रॉप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। अधसाली जो है 18 मंथ का क्रॉप होता है, मतलब कि 1.5 साल का क्रॉप, और इसमें रो टू रो डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर रखते हैं, और जून जुलाई में इसका प्लांटिंग करते हैं। उसके बाद एक साली या फिर इसे स्प्रिंग भी कहते हैं, इसका प्लांटिंग जनवरी फरवरी में करते हैं। यहाँ एक वर्षीय फसल है, मतलब कि 1 ईयर क्रॉप है, और इसे भी नॉर्थ इंडिया में ग्रो करते हैं, और इसका एरिया हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद एक समर शुगर केन है, जिसका प्लांटिंग अप्रैल मई में करते हैं। नेक्स्ट में आर्टिफिशियल रेपनर का भी यूज करते हैं, अगर शुगर केन को आर्टिफिशियली पकाना है तो एथरल नामक केमिकल का यूज हम करते हैं शुगर केन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं शुगर केन में, कौन सा हर्बिसाइड? एट्राजिन जो है एक प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है कि प्लांटिंग के बाद और वीट जर्मिनेट से पहले जो हम हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं उसे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं। तो ये एट्राजिन नामक हर्बिसाइड का उपयोग प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। उसके बाद ब्लाइंड होइंग इज डन आफ्टर 1 to 2 week ऑफ प्लांटिंग, ठीक है। ब्लाइंड होइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि गन्ना में किया जाता है, और यह गन्ना लगाने के बाद तथा गन्ना के अंकुरण से पहले यहाँ होइंग किया जाता है, क्योंकि गन्ना अंकुरित होने में थोड़ा सा लेट लगता है, इसीलिए तब तक कि वहाँ में जो खरपतवार है वो निकल जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। तो ब्लाइंड होइंग है जिसको 1 से 2 हफ्ता के बाद किया जाता है। अब गन्ना के मेजर डिजीज की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ना के मेजर डिजीज कौन सा है, तो रेड रॉट है, जो कि एक फंगस से होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद यील्ड की बात करें तो एक साली का एवरेज यील्ड होता है 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, और एक साली को अगर अच्छा मैनेजमेंट किया, गुड मैनेजमेंट किया जाए, तो इसका यील्ड 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर भी हो सकता है। अब अध साली की यील्ड कितना होता है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, ये 100 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर। दोस्तों ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन दिख रहा है इसको दबाना होगा, दबाने के बाद एक बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबाना होगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए यहाँ से, और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।